एक ऐसा बिजनेस जिसने बहुत से लोगों को जीरो से मिलियनेयर बनाया। वो सामने आप देख रहे हैं क्यों लिखा मजाक कर रहे हैं। तीन मुख्तलिफ आउटलेट्स की एग्जांपल दी गई है, जो थर्ड आउटलेट है दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। ये है जी सारा कुछ। एक नया दिन और एक नया व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह। लग ये रहा है कि गर्मी का जोर काफी कम हो गया। माशाल्लाह तबारकअल्लाह। 38 डिग्री सेल्सियस अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरा टाइम हो रहा है जी 4:06। ब्रो एक चीज ने जो है ना व्लॉगिंग में बड़ी आसानी कर दी है, ये वाला जो माइक्रोफोन है, ऊपर एक रिव्यू बनता है, छोटा सा माइक्रोफोन और साथ में ये छोटा सा ट्रांसमीटर वॉइस क्वालिटी का जो है ना नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। ट्राई करते हैं। लग जा बाबू। अभी जो आवाज सुन रहे हैं ये इससे सुन रहे हैं। खैर वापस वीडियो की तरफ चलते हैं, अपने टॉपिक की तरफ। आज जो टॉपिक है ना बिजनेस का, इसका बड़ा पोटेंशियल है हमारी कंट्री के अंदर। सऊदी अरब में बड़े बड़े ब्रांड्स इस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं और इट इज सक्सेसफुल। मैं बताता हूँ आपको। वो सामने आप देख रहे हैं जिसके ऊपर लिखा मजाक कर मगरबी और बॉन्ड्स, इस तरह होती हैं ये आउटलेट्स। निकल के बाहर बताता हूँ। वो जो सामने 1, 2, 3, अब इनमें से एक से हम लोग कॉफी लेंगे। ये तो कॉफी शॉप्स है, लेकिन अभी कॉफी शॉप्स के अलावा रेस्टोरेंट्स ने भी इस फील्ड में आना शुरू कर दिया। ये वाला जी मेरा फेवरेट कॉफी ब्रांड है आजकल। और इस व्लॉग देखने वालों के पुराने जो है उनको पता था कि मेरा पुराना ब्रांड फेवरेट कौन सा होता था, लेकिन ऑफ कोर्स वी डोंट बाय फ्रॉम देम। लोकल पे सलाम अलैकुम। आज स्पेनिश लाटे कितने का? स्मॉल। अच्छा 058। यहाँ पे आपको वहाँ पे बार कोड मिलता है, यहाँ पे मेन्यू और इस खिड़की से आपको ऑर्डर देना पड़ता है। कॉफी तो आसान है, लेकिन जब मैं नेक्स्ट फूड की पे जाऊंगा ना तब देखिएगा। लेकिन इस कॉफी का रिव्यू भी करना है। इस ड्रिंक को कहते हैं स्पेनिश लाटे। वेट करना पड़ता है इसके लिए। स्पेनिश लाटे स्पेशल बन रही है। थैंक यू सो मच यार। सिर्फ स्पेनिश लाटे चाहिए था। मैं वही पूछ रहा था ये किधर की, ये क्यों दे रहा है? अभी हमें जो है ना गाड़ी को इस थोड़ी साइड पे पार्क करनी पड़ेगी, क्योंकि माशाल्लाह ये वाला कॉन्सर्ट इतना अच्छा चलता है कि ठीक ठाक रश लगी भी होती है। भाई साहब ने जो है ना गलत ऑर्डर हमें दे दिया। ये यहाँ पे कॉफी भी दे दी और ये है जी इसको कहते हैं स्पेनिश लाटे। स्पेनिश लाटे जनाब अली, नीचे इनका कंडेंस्ड मिल्क होता है आई थिंक, और ऊपर कॉफी डाली हुई होती है और फिर बर्फ होती है, और इसका टेस्ट जो है ना मीठा होता है। थोड़ी सी मिक्स कर लेते हैं ताकि दूध और कॉफी मिक्स हो जाए। ओह स्पेनिश लाटे ऑन अनदर लेवल। अभी हम दूसरी आउटलेट पे चलते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट है। वैसे इन वीडियोस का मकसद है कि टू इनकरेज, मे बी कोई इस वीडियो को देख के उसमें इनकरेजमेंट आए और वो इस तरह का कुछ हमारी कंट्री में भी शुरू करे इस हाई लेवल के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जिट और सेकंड लोकेशन। वाह यार पेट्रोल पंप और साथ में ये वाली आउटलेट। सुभान अल्लाह रश की हालत बड़ी टाइट है बॉस। वो जो सामने देख रहे हैं ना ये जद्दा का बड़ा आइकॉनिक चौक है। ये लें जी ये आ गया इको पेट्रोल पंप और ये बड़ा मशहूर लोगो है। मैं कह रहा हूँ ना बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं ना उन्होंने भी पेट्रोल पंप्स पे इस तरह की आउटलेट्स बनाना शुरू कर दिए। यही नहीं बल्कि एक और मैं दिखाता हूँ, देख रहे हैं पोपाइस इन्होंने भी कर दिया। ये है जी इनकी ड्राइव थ्रू एंड पोपाइस। वहाँ एक और कॉन्टेक्ट आइडिया मिल गया, पोपाइस वर्सेस ताजिज। आज नहीं नेक्स्ट टाइम, फिलहाल हम लोग ताजिज लेंगे। अल ताजिज। ताजिज जो है ना सऊदी अरब का बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है माशाल्लाह। अलबेग की टक्कर का तलबात सियारात। ये है जी जगह जहाँ पे आपको ऑर्डर देना पड़ता है और यहाँ पे इन्होंने ये मेन्यू रखा हुआ है। सलाम अलैकुम। ये चलता ही नहीं है, आगे चलना। السلام عليكم. السلام عليكم. واحد بروست حار. لا ما في بس بروست. كم؟ اوه. यहां से ऑर्डर करें और आगे से जाके पिक करें. थैंक यू. बस ताजे जमे मिला है जी 21 रियाल का स्पाइसी ब्रोस्ट। और जो स्पेनिश लाटे थी ना वो हमें मिली थी 17 रियाल की। अभी 4:43 हुए हैं। थैंक यू। नोखा हो गया ब्रोस्ट, इन्होंने जो है ना इधर से ही मुझे दे दिया माल। कह रहे हैं रिवर्स करके बाहर निकल जाओ। जगह ढूंढ रहे हैं अच्छी सी जहाँ पे हम लोग पार्क करके इसका रिव्यू करें। देखें कैसे नन्नी मुन्नी सी छोटी सी आउटलेट बनाई हुई है, देख रहे हैं यहाँ पे जी पोपाइस के बिल्कुल सामने। इधर हम लोग पार्क करते हैं रिव्यू के लिए। यू नो गाड़ी के अंदर रिव्यू करना, गाड़ी के अंदर खाना खाने का मजा ही बिल्कुल अलग है, एक्सट्रीमली डिफरेंट एक्सपीरियंस। ताजिज अल ताजिज। अरे वाह इसमें तो इन्होंने हमें रोटी दी है, इसको कहते हैं ऐश। को वापस डाल देते हैं क्योंकि कार्ब से हमें इसकी जरूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है, लेकिन इसके अलावा भी दो चीज़ें हैं। दो थूम दिए इन्होंने हमें और एक केचप दी है। टाना।
खुशबू on another level, यार cannot explain the words, sorry cannot explain in words. हमारे पास यहाँ पे एक दो तीन चार पीसेस आ गए और चिप्स आ गए, फ्रेंच फ्राइज. फ्रेंच फ्राइज के बारे में एक बात बताते चलते हैं कि ये फ्रेंच नहीं है, यानी फ्रांसी नहीं है, ये बेल्जियम ने पहले याद किया था, पर नाम फ्रेंच रखा गया. क्यों रखा गया कमेंट में आप बता देना. इन सारे पीसेस में से जो मेरा फेवरेट पीस है ना, वो एक ये और एक ये लेग वाला. आज मैं लेग वाला खाऊंगा. अल्ताजेज का ये फायदा है कि इसका जो नाम है ना ताजेज, मीनिंग फ्रेश, इनकी मुर्गी फ्रेश होती है, सुनने में आया. इट्स नॉट फ्रोजन मुर्गी. टेस्ट, एक चीज तो भूल ही गया, ताजेज का फेमस थूम, स्पाइसी थूम है ये आपने लेना है और इसके साथ इस्तेमाल करना है. बिस्मिल्लाह. नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन. वाकई केचप की इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप केचप खाते हैं तो एक ट्रिक है, आप ये वाली केचप लें, इसको इस तरह करके खोलें और थूम के अंदर डाल दें, फिर एक आप अच्छा सा छोटा सा चिप्स लें, थूम को लें और मिक्स कर लें. अल्टीमेट बाइट, फ्लैश फ्लैश और फ्लेवर्स, माशाल्लाह. ये स्किन आप लें, स्किन ताजे ज्वलों की रोस्ट की बहुत टेस्टी होती है, और इसके ऊपर आप इस तरह मिक्स करें. एंड देन बिस्मिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. अगर आप इस तरह करते हैं ना मुर्गी के पीस की हालत, इसका मतलब मुर्गी का पीस बड़ा टेस्टी था. खैर, जद्दा मत का हाईवे के ऊपर जो रेस्टोरेंट. कल हम लोग वीडियो पूरी नहीं कर सके क्योंकि लेट हो गए, काम था, लेकिन आज हम जुमे के दिन जद्दा मक्का हाईवे पे जाएंगे वो वीडियो बनाने के लिए, लेकिन पहले जुमा. अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह हमने तैयारी श्यारी पकड़ ली. ये जी हमारी परफ्यूम आज, स्ट्रॉन्गर विद यू इंटेंसली. बॉस ये वाली जो परफ्यूम है ना, ये भी एक नजर लेवल है. और उसके बाद बैग पे भी रिफ्रेशिंग है, रिफ्रेशिंग. जद्दा मक्का हाईवे की तरफ जा रहे हैं जी. सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, मौसम ऐसा है कि सब कुछ येलो येलो नजर आ रहा है, एवरीथिंग. यहाँ तक यहाँ पे बिल्डिंग का कलर भी येलो किया हुआ है लोगों ने. ट्रक के ऊपर ट्रक्स, एक ट्रक उसके ऊपर तीन ट्रक. अरे ट्रक देखे थे अभी, ये गाड़ी, ट्रक के ऊपर गाड़ी. पहुंचे हैं जी हम अपनी डेस्टिनेशन पे. ये है जी जद्दा मक्का हाईवे, और वो सामने जो जगह है उसकी मैं बात कर रहा था. यानी कि फूड ट्रक नहीं है, लेकिन उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, जो है कि छोटा सा स्टोर बनाया हुआ है. और मुझे ये लगता है कि इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि लोग गाड़ी से उतर के ऑर्डर करना पसंद नहीं करते, ख़ासकर इस गर्मी में. चलते हैं जी उसके पास और आपको एक और जो है ना मिडिल ईस्ट के खाने का रिव्यू देते हैं. आ जाए, गाड़ियाँ आई, गाड़ियाँ आ रही हैं. रश चेक करें जी, वो वहाँ से गाड़ियाँ स्टार्ट हो रही हैं और मेरी ये गाड़ी अभी यहाँ पे रुकी आके. और अभी अभी देखा है जी, 41 डिग्री सेल्सियस हो गया. ठीक ठाक गर्मी है, बहुत ठीक ठाक गर्मी है, बट अल्हम्दुलिल्लाह. अरे वाह, ये तो 24 आवर्स है, और आई गेस होना भी चाहिए ना बस, लेकिन अमेजिंग. और यहाँ पे आपको बारकोड भी मिलता है, जाकर आप स्कैन कर सकते हैं मेन्यू के लिए. अस्सलाम वालेकुम. واحد تامية شو خبز شامي واحد بس طيب واحد مويه بقى كل شيء شتى جبن اذا في आज के सारे खानों में से जिन सस्ता ट्रेन जो है ना ये था 8.5 रियाल. अब जाएंगे दूसरी खिड़की पे जहाँ से हम लोग लेंगे अपना ऑर्डर. तो ये हमारी बारी आ गई. इस खिड़की से मिलेगा हमें. एंगल सेट करना जो है ना काफ़ी मुश्किल काम है. ओए ये ऊपर चला गया, ओए एंगल ही नहीं सेट हो रहा. शुक्रन, जाकल्ला. मिल गया जी हमारे अपना खाना. अब ढूंढते हैं कोई ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग इसको रिव्यू. पीछे गाड़ियों का रश चेक करें ना, जो मेरे बाद इंतज़ार कर रहे थे, और ये वाली लाइन चेक करें, पूरी कॉफ़ी की लाइन है. वो मैं कह रहा हूँ ना, ये बिज़नेस हमारी कंट्रीज़ में बहुत फ्लोरिश कर सकता है. ये हमें कोई अच्छी जगह मिली है, बिल्कुल सुकून वाली. आई थिंक ये एंगल ठीक रहेगा. सो बिस्मिल्लाह, ये हमें पैक मिलता है, ब्रांडिंग अच्छी की हुई है, और इसमें पानी है. ये है जी असली चीज़, और इस सैंडविच को कहते हैं तामिया. इसके ऊपर एक दिन पूरा व्लॉग बनेगा इनकी कुजीन का. इन्होंने हमें टिश्यू दिया है, जो कि बहुत ज़रूरत पड़ेगा. और ये जो है ना रोटी दी है इन्होंने, अच्छी लग रही है. अनपैकिंग ऑफ तामिया, इसको कहते हैं ऐश शामी ब्रेड. और इसके अंदर इन्होंने स्टफ़ किया हुआ है जनाब आली, ओए होए, सैलेड पत्ता और चीज़ के साथ तहीना के साथ नीचे तामिया, और इन्होंने शत्ता भी डाला हुआ है. ये है जी सारा कुछ इसके अंदर. स्पाइसी लग रहा है, मैंने उसे कहा था स्पाइसी बनाना. बिस्मिल्लाह. डिलीशियस.
अल्हम्दुलिल्लाह। इसको तामिया कहते हैं, जरूर ट्राई करना। एक्वा।